मॉर्निंग क्लास 10। कल हमने आपके चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस में डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जैसे कि सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा है, अमीबा में जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अगर हम बात करें ऐसे एनिमल्स के बारे में जैसे कि अर्थवॉर्म है, ये रेस्पिरेशन अपनी स्किन से करेंगे। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश है, प्रॉन है, इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है फिश और प्रॉन में। इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो फूड से हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि आप ब्रीद करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और CO2 को बाहर निकालेंगे जो रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ब्लड और एयर के बीच में, O2 और CO2 का, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन O2 इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एंड एयर रिच इन CO2 इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और जिस एयर में CO2 है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब जो CO2 को बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस है ब्रीदिंग के दौरान, उसको कहते हैं हम यहाँ पर इनहेलेशन, और जिसमें हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। एक ब्रीद का मतलब है एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग के अंदर जो रिब केज और डायफ्राम है उसका मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग इनकी प्रोसेस में क्या है कि जब आप ब्रीद इन करते हैं तो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ही टाइम पर होती हैं, जैसे कि जो मसल्स है रिब्स की, और वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा जिसके कारण जो रिब केज होगा वो ऊपर की तरफ मूव होगा और बाहर की तरफ आएगा। जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ये दो प्रोसेस जिसके कारण चेस्ट की कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है, ये इसको बड़ा बना देती हैं। जैसे जैसे चेस्ट कैविटी जो होगी वो लार्जर होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा एयर जो होगी वो अंदर ऑक्सीजन लेकर जाएगी, और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी। अब इसके बाद ब्रीदिंग आउट की प्रोसेस है। जब आप ब्रीद आउट करते हैं तब भी दो ही चीज़ें एक साथ होती हैं, जो मसल्स है रिब्स की वो रिलैक्स हो जाती हैं, रिब केज का मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाता है और अंदर की तरफ हो जाता है, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ मूव करता है। ये जो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट है रिब केज का, इसी के साथ साथ जो अपवर्ड मूवमेंट है डायफ्राम का, दोनों ही जो चेस्ट कैविटी का स्पेस है उसको कम कर देते हैं और उसको छोटा बना देते हैं। जैसे ही चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है एयर को पूरा धक्का लगाकर बाहर निकाल दिया जाता है लंग्स से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। एक बार एयर अंदर आएगी ये पूरा फूल गया इस टाइम, और ये जो डायफ्राम है नीचे की तरफ आ गया, जगह बढ़ गई। अब अगर यही एयर जो होगी उसको बाहर निकाला जाएगा तो ये जो अंदर की तरफ धक्का लगेगा उसके थ्रू डायफ्राम ऊपर खिसक जाएगा और एयर बाहर निकाल दी जाएगी। ये ब्रीदिंग आउट है, ब्रीदिंग इन है। कल हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। थैंक यू।